हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिंकी ओम कुकिंग लाइफ में। आज हम बना रहे हैं मारवाड़ी स्टाइल में मटन करी की रेसिपी। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पे एक कुकर चढ़ा दिया है और अब हम सबसे पहले इसमें तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ इसमें। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो ये साबुत गर्म मसाला डाल दिया है मैंने इसमें। इसी के साथ में यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ता डाल दिया है इसमें। इसी के साथ में मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच साबुत धनिया डाल रही हूँ। इसे आप जरूर डालें, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो आप देख सकते हो हमारा गरम मसाला जो है ये अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने 4 प्याज काट लिए हैं बड़े साइज के, तो ये डाल देंगे इसमें। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हो प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है मैंने। तो ये डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ में प्याज को अभी और पकाना है हमें। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर मैंने 2 मिनट तक इसे पका लिया है और अब यहाँ पे हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने हरी मिर्च को भी भून लिया है प्याज के साथ में। और अब हमारा प्याज जो है ये अच्छे से पक चुका है। तो जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें हम 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये मसाला डाल देंगे इसमें। मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और अब हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे मसाले से तेल अलग होने तक। जितनी अच्छे से हम मसाला पकाते हैं उतनी ही स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनती है। तो मसाले को हमें अच्छे से पकाना है और गैस को यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पर मसाला जो है अच्छे से पकता है, हाई फ्लेम पर कभी कभी जल जाता है मसाला। तो आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे अच्छे से पका लिया है और मसाले से तेल अलग हो रहा है। तो ये हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। मसाले से तेल भी अलग हो रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को भी पका लेंगे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने टमाटर को भी पका लिया है। टमाटर हमारे जो है काफी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो यहाँ पे मैंने मटन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और अब यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 2 बार साफ पानी से। और अब ये मटन डाल देंगे इसमें। मटन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे मसाले में ही पकाना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले में ही इसे 5 मिनट तक पका लिया है और गैस को मैंने यहाँ पे हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। और 5 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट
यहाँ पे मैंने दो घाट लहसुन को छिल करके उसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है कूट करके मोमदस्ते में। तो ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने इसमें, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन मैंने यहाँ पे बाद में डाला है, तो यहाँ पे लहसुन को पेस्ट को भी मैंने एक मिनट तक पका लिया है मसाले के साथ में। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर के करीब इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का और अच्छे से पकने तक इसे पका लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 5 सीटी आने के बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसे कुकर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में मैंने यहाँ पे इसका ढक्कन खोल दिया है और आप देख सकते हो हमारा मारवाड़ी मटन करी कितने अच्छे से बना है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में ही। अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मारवाड़ी स्टाइल में मटन करी की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।